किसी सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा ऐसी वाणी आप बोलेंगे, इसका भी अच्छी विशेषता। आपके रोग जो बढ़ रहे हैं, रोगों की शांति होगी, रोग कोई होंगे नहीं, उनका निदान होगा। रोगों का निदान होने के साथ माता को कष्ट जो अभी चल रहा है पहले समय से, वो थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा होने की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, इसका ध्यान रखना। वाहन भूमि भवन इनसे संबंधित कार्य जो रुके हुए थे, कुछ रुक रहे थे, उनमें समस्याओं की पूर्ति होने का संकेत मिल चुका है। कुछ आश्वासन आपको मिल गए हैं, उसकी पूर्ति होने में थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी जून के महीने में आपका पूरा कहीं ना कहीं हो जाएगा। ये इस प्रकार से माता के कष्ट का भी निवारण धीरे धीरे होने लगेगा। और साथ साथ में आपके कर्म क्षेत्र में अचानक कुछ खराबी आ सकती है, जो अनुकूल समय होना चाहिए, जितने परसेंट आपको कार्य चल रहा था उसमें कमी आ सकती है। और यहाँ तक कि कोई जो कर्म क्षेत्र में कर्मचारी हैं उनके कर्म में थोड़ी रुकावट के साथ हमेशा के लिए दूरी भी हो सकती है, कर्म क्षेत्र में चिंता कारक बन सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। कर्म क्षेत्र में ये बहुत अच्छा समय नहीं माना जा सकता, कर्म क्षेत्र के लिए ये थोड़ा रुकावट वाला समय है। पिता के लिए स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना है, पिता के कष्ट का भी ध्यान रखना है, पिता को कष्ट इस महीने में हो सकता है, जून के महीने में शारीरिक कष्ट वायुजनित पीड़ा पिता को हो सकती है। और जो है कि लाभ मार्ग में कुछ थोड़ी सी प्रसिद्धि जो मिल रही थी उसमें कमी आ सकती है, बड़े भाई को तकलीफ हो सकती है, बड़े भाई से संबंधित विवाद भी हो सकता है, बड़े भाई बहनों को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है, बहनों से विवाद हो सकता है। और लाभ मार्ग जो अच्छे मार्ग से तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ लाभ हो जाएगा, जैसा चाहिए वैसा नहीं हो पाएगा, थोड़ी मनोनुकूल स्थिति नहीं है इसलिए। और सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए रोग शत्रु विनाशक है, और कर्म क्षेत्र आपका बढ़िया जो होने वाला था उसमें थोड़ी रुकावट आ गई है। साथ साथ में आपके कर्म क्षेत्र की रुकावट के साथ में प्रशस्ति का प्रशस्त पूर्वक जो कार्य है वो आपके जो है सो पराक्रम से होंगे, जो मेहनत कर रहे हैं उससे प्रशस्त कार्य बनेंगे, बिगड़े कार्य बन सकते हैं। मेहनत में कोई कमजोरी मत रखो, क्योंकि इस महीने में आपकी मेहनत में कुछ कमी आने से थोड़े से आपके कार्यों में अपने आप ही रुकावट आ सकती है, इसका ध्यान रखना है। खास करके मामा के द्वारा भी आपका कुछ सहयोग मिल सकता है, मामा का सदव्यवहार हो सकता है। और एक खास चीज़ ये है कि आपको कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जिसमें आपको मानसिक क्लेश हो, मानसिक क्लेश वाली सूचना आपको इस महीने में मिल सकती है, शुभ समाचार मिल सकता है जिसमें आपका हृदय विदारक समाचार हो सकता है, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। धन कुटुम्ब का कार्यक्रम हो चुका है, और अब आपका जो है सो सप्तम भाव बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, राहु सातवें भाव पर चल रहा है, सातवें भाव का राहु आपका पत्नी से विवाद हो जाए, पत्नी को के प्रति आपका संदेह बना रहेगा, पत्नी के प्रति आपका जो संदेह है या पति के प्रति संदेह है, यानी दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के लिए प्रति जो संदेह की वातावरण तैयार हो चुका है, उस सशंकात्मा विनश्यति लिखा है शास्त्र में, जो शंका करने वाले हैं उनका विनाश होता है, इसलिए संशय नहीं करना चाहिए, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करते हैं वह उसका मूल कारण विनाश का होता है, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। कभी किसी भी तरह जब तक कोई चीज़ प्रत्यक्ष ना हो जाए तब तक संदेह नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में सबसे बड़ा विवाद का कारण आपका ये बना हुआ है, कई दिनों से बना हुआ, उस पर निवारण कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता नहीं है लेकिन ग्रहों का खेल है जो ये बिगाड़ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है आपको। साथ साथ में आपका
जो शुक्र है, शुक्र आपकी राशि धनु है, धनु राशि से आत्मा धनु मकर कुंभ मीन मेघ वृक छठमा चल रहा है। शुक्र जब छठमा चलता है तो पत्नी से विवाह कराता है, और शनि भी छठमा पर चल रहा है तो रोग शत्रुओं का विनाश कराता है, शत्रुओं का विनाश अवश्य अपने आप होता चला जाएगा। इस प्रकार से धनु राशि वालों के लिए इस महीने में, जून के महीने में कौन सा दिन अच्छा नहीं रहेगा वो बताता हूँ। 14-15 तारीख आपके लिए बहुत ठीक नहीं है और 24 तारीख ठीक नहीं है। 15 और 24 दो तारीखों का विशेष ध्यान रखना है। 24 तारीख को घटना दुर्घटना से सावधान रहना है, 15 तारीख को आपको विशेष रूप से अपने आत्म संयम में रहते हुए मित्रों से विवाद नहीं करना है, माता को सुख देना, माता की आज्ञा का पालन करना है, भूमि भवन वाहन का कोई कार्य करें तो उसको कुछ दिन नहीं करना। इस प्रकार से आपको धनु राशि वालों के लिए समय आपको दर्शाया है। मैं आशा करता हूँ आपका ये जून का महीना मंगलमय बीतेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं आप धनु राशि वालों को लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी स्वतंत्र से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।